गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अपने सेटअप की अपडेट देने वाला हूं। सेटअप बदलने जा रहा है। काफी लोग ने पूछा कि बालकनी में सेटअप रखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बालकनी में सेटअप रखा जा सकता है, लेकिन अब बालकनी में रखने इससे कुछ प्रॉब्लम्स हुई है। देखिए, सारे पिंजरे मैंने रूम में ले लिए हैं, प्लस पीछे बालकनी है। ठीक है, चलिए बैक कैमरा करके फटाफट से बहुत सारी बातें करते हैं और आपको हम एक सजेशन भी देने वाले हैं इसमें। अब दोस्तों, मैं नए फ्लैट में मूव हुआ था, ये बच्चों का रूम था। थोड़ी सी हिस्ट्री दे देता हूँ। मेरा सेटअप कहीं और पे था और ये बर्ड थे, इससे ढाई गुना बर्ड थे, मतलब दो तीन गुना बर्ड थे। लगभग मैंने 18 कोकाटेल बेच दिए, लगभग मैंने 8 जो है वो स्मॉल कनूर बेच दिए और बाकी थोड़े जावा बेच दी। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी मैंने आधे बर्ड जो है वो निकाल दिए और बाकी ये बर्ड मेरे पास रहे। तो अभी मैंने क्या किया था सेटअप में दोस्तों, ये बालकनी है, बालकनी मेरे पास इतनी इनफ थी कि अंदर आ जाती थी, तो सारे पिंजरे चले जाते थे, 4 ढाई फीट के, 4 जो है यहाँ पर 2.5 फीट के, 8 ढाई फीट के और बीच में 5 जो है 2 फुट के आ जाते थे। लेकिन मेरे पास जो थे 10 2 फुट के पिंजरे थे, तो एक जो रो है वो पूरी घर में आ रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। जैसे देख सकते हैं कि इतना अच्छा कलर करवाया हुआ है वॉशिंग वाला, रॉयल वेलवेट टच का, लेकिन फिर भी वो ख़राब हो चुका है, आप नज़दीक से देखेंगे तो। ठीक है, प्लस घर में बदबू भी आ रही थी। क्यों बदबू आ रही थी? क्योंकि ठंड आ गई है, ठंड की वजह से मुझे सीट रखना पड़ रहा है, पूरा दिन टेम्परेचर 30 डिग्री का रखना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे भी हैं इसमें। तो मैंने अब ये सोचा कि जो ये, क्योंकि बर्ड के प्राइस कम हो गए, कोई बर्ड का प्राइस नहीं आ रहा है, तो ख़राब प्राइस में बर्ड को सेल करना, इससे अच्छा है कि हम शौक को कंटिन्यू करें और आपके लिए रेगुलर वीडियोस भी लाने हैं। तो घर के पिंजरे और ये सारे बालकनी के पिंजरे जो है, ये हमारे इससे पीछे बाहर चले जाएंगे आसमान में। वो कैसे? हम वहाँ पर दोस्तों एक फैब्रिकेशन का काम करवाने जा रहे हैं। अभी फैब्रिकेशन वाले भाई साहब आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सारे जो पिंजरे हैं धीरे धीरे हटा के मैंने इनको इस रूम में कर दिया, आप देखिए। ठीक है, ये सारे पिंजरे कभी बीच वाले बाहर हुआ करते थे, वो तो अंदर ही थे सारे। ठीक है, और छोटे मोटे दूसरे पिंजरे भी मेरे पास एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि बच्चे हो रहे हैं, ब्रीडिंग हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए सारे पिंजरे अभी मैं अंदर ले रहा हूँ और इसके बाद जो है सारे पिंजरों को अंदर रूम में रख के फैब्रिकेशन का काम चालू होगा। वो जो पीछे वाला SS का पूरा ग्रिल है, वो पूरी ग्रिल निकल जाएगी और लोहे की ग्रिल जो है बालकनी से बाहर की तरफ आएगी, जहाँ सारे केजेस जो है मेरे सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही फैब्रिकेशन वाले भाई साहब आते हैं, मैं आपको अपडेट देता हूं कि सेटअप में हम किस तरीके से काम वगैरह हो रहा है, और हम अपडेट आपको इस सेटअप को फिर से चेंज करते हुए देते रहेंगे। तो अब दोस्तों देखिए, नीचे से पहले गाड़ी वाड़ी हटा ली और अब अब्दुल भाई ये जो है, इन्होंने भी माशाल्लाह बर्ड पाले, 100 के सब्सक्राइबर हुए थे, मेरी पार्टी में आए थे ये अब्दुल भाई। तो इन्हों के थ्रू ही, इनके जो बॉस हैं अवेश भाई, उनके थ्रू हम काम करवा रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं पूरी जाली हटा दी है। ठीक है, और अब जो हमने पहले बालकनी में जो बर्ड रखे थे वो बाहर निकलेंगे लिंटर पे, और लिंटर से निकल के उस पर बर्ड रहेंगे, ताकि जो भी बदबू या घर का यूज़ ना हो। ठीक है, सारी जालियाँ देखिए यहाँ निकाल दिए, बाहर का पूरा मेन जाली निकाल दिए और काम अब होने वाला है। ठीक है, यहाँ से, और ये देखिए, ये हमारी जो SS की जाली जैसे यहाँ लगी हुई है, वैसे ही पूरी जालियाँ लगी हुई थी, ये हट चुकी है। ठीक है, जैसे जैसे काम प्रोग्रेस होता है मैं आज की आपको अपडेट देता हूँ। अब दोस्तों रात के बज रहे हैं 9 और अभी ऑफिस से जस्ट मैं आया हूँ। ये जो है अवेश भाई हैं। ठीक है, अवेश भाई के थ्रू ही हम काम करवा रहे हैं, अब्दुल भाई के सेठ आप कह सकते हैं, ये सारा काम देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए अब्दुल भाई माशाल्लाह नाश्ता कर रहे हैं, मुझे भी नाश्ता ऑफर किया। और अब थोड़ा सा प्लान में ये चेंज था कि जो जैसे बाहर तो लेना ही है हमें बर्ड को, ठीक है, लेकिन हमने क्या सोचा कि अगर ये जो पिंजरों का वज़न है लगभग 80-85 किलो तक होगा, तो इन्होंने अगर बाहर से क्लैंप लगाए होते तो हो सकता था कि बाहर गिरने के चांसेस थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से माशाल्लाह काम किया है, पूरा खड्डा किया है, और ये जो आप गडर देख रहे हैं, गडर जैसा लोहे का, इसको चैनल बोलते हैं, इसको इन्होंने अंदर थोड़ा सा रखा है जिससे सपोर्ट मिल जाए
और बाहर जो है बर्ड का जो वज़न है अच्छे से वो झेल सकेगा। तो माशाल्लाह अच्छा सा काम कर रहे हैं। अवेश भाई के नंबर, अब्दुल भाई के नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अगर ऐसा फैब्रिकेशन का काम करवाना है अहमदाबाद गुजरात के अंदर तो आप करवा सकते हैं। आसपास सिटी में भी जाते होंगे तो आप कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा अपडेट मैं दे देता हूँ यहाँ पर आपको। ये देखिए किस तरीके से पूरी कपची वगैरह भरी। अभी इसको एक डेढ़ दिन सुखाने देना होगा, आज और कल सूखेगा ये गडर, दूसरा ये तीसरा यहाँ आएगा गडर और चार। तो इतना मजबूत माशाल्लाह काम किया है तब जाके ये आपका सेटअप बाहर निकल रहा है और अच्छे खासे दाम में निकल जा रहा है दोस्तों। तो मैंने सोचा भले खर्चा हो रहा है एक बार पर करवा ले हम, ठीक है। यहाँ से बाहर सिटी दिख रही है, 9th फ्लोर पे मैं रहता हूँ, आप लोगों को पता है जैसे, ठीक है। तो अब्दुल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो दोस्तों रात के 10 बज रहे हैं, अब्दुल भाई और उनकी टीम जो है जस्ट अभी गई है। ये थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ है और ये देख सकते हैं कि ये जाली जो है कल लगेगी, ठीक है। और ये जो पुरानी हमारी जाली थी ये सब कुछ यहाँ पर निकल के पड़ा हुआ है, जो SS की जाली। SS तो इतना वज़न नहीं ले सकता तो लोहे पे अपने करेंगे, ये जो आप AC के लिए जो बनाया जाता है ना वैसे। और मेरे लिए ख़ास करके अब्दुल भाई ने माशाल्लाह जो है बनवाया है कि भाई इतनी मेहनत की है। तो अब्दुल भाई के लिए एक ज़बरदस्त लाइक और उनके लिए कमेंट करिए, ठीक है। अभी ये सारे बर्ड अभी घर में ही रहेंगे, अभी धूल भी देख सकते हैं माशाल्लाह साफ़ भी किया। और पीछे क्या काम हुआ है थोड़ा सा खोल के हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सीमेंट वगैरह डालकर इन्होंने देखिए कपची वगैरह डालकर बंद कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल वो कर दिया है। और ये गडर हमारे भर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब ये 2-3 दिन सूखेगा पूरा और यहाँ किसी को आने की परमिशन होगी नहीं, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर पूरा जाल लगेगा और ऐसे ऊपर आएगा और इधर हमारे पूरे बर्ड आएंगे। तो ये कुछ काम हो चुका है, ठीक है। ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अब समय हो चुका है कि इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करें। आगे के दिन जब आएंगे तो हम दूसरा एपिसोड अपडेट स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से क्या होता है, कैसे होता है और पिंजरों को शिफ्ट करना, वो दूसरे पार्ट में हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही।